एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। और आज हम बायो के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को एनसीईआरटी बायोलॉजी की मदद से सॉल्व करेंगे। आज हम वायरस एंड वायरॉइड की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को एनसीईआरटी बायोलॉजी की मदद से सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमर्स, इसमें से कौन कॉइल्ड आरएनए स्टैंड और कैप्सोमर्स शो करता है? टोबैको मोजाइक वायरस में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में होगा जो 2130 कैप्सोमर्स कंटेन करेगा। सो टोबैको मोजाइक वायरस क्वाइल्ड क्वाइल्ड आरएनए विद कैप्सोमर्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वायरस है, वायरस के पास क्या है, तो आप इसका ऑप्शन पहले पहुंच करके इसका ऑप्शन चेक कर लें। तो इसका आंसर पेज नंबर 26 में है। वायरस है आइदर आरएनए और डीएनए, वायरस के पास या फिर आरएनए होगा और या फिर डीएनए होगा। वायरस है आइदर डीएनए और आरएनए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट वायरल रिप्लिकेशन प्रोसेस, इसमें वायरस वायरल रिप्लिकेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इससे भी आप पहुंच करके पहले अपना ऑप्शन चेक कर लें। वायरल रिप्लिकेशन का सीक्वेंस है एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इक्लिप्स, मैचुरेशन, असेंबली एंड लाइसिस, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें से किस कौन कौन किस किस का पेयर सही है? और क्रिचफल्ड जेकॉब डिजीज काउज बाई फायरन्स बी टू करेक्ट है, और साथ ही साथ मेजर्स वायरस, मेजर्स वायरस में दो इनवेलप, क्रिचफल्ड डिजीज जेकॉब डिजीज काउज बाई फायरन क्रिचफल्ड जेकॉब डिजीज काउज करता है। मेजर्स वायरस टू इनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन ऑन वायरल सरफेस हेमोग्लोबिन एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन्स, इसमें दो लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के दो लेयर प्रेजेंट होता है। सो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ऑप्शन टू एंड थ्री करेक्ट है। डीएसआरएन फाउंड इन, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ पे पाया जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फाउंड इन रियोवायरस, रियोवायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसे भी पॉज करके आप अपना ऑप्शन चेक कर ले, इसका भी आंसर पेज नंबर 26 पे मिल जाएगा। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरस हमेशा पैरासाइट की तरह एक्ट करेंगे। ऑप्शन डी, वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। वायरस डिफर फ्रॉम बैक्टीरियम इट कंटेन्स, वायरस बैक्टीरिया से किस चीज़ में डिफरेंस है? तो इसे भी पहुंच करके पहले आप अपना ऑप्शन चेक कर ले, इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 26 पे मिल जाएगा। वायरस के पास बोथ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है जबकि सॉरी बैक्टीरिया के पास बोथ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है जबकि वायरस के पास डीएनए और आरएनए होगा, कभी डीएनए आरएनए दोनों वायरस में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यही डिफरेंस है वायरस और बैक्टीरिया में। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होगा जबकि बैक्टीरिया का डीएनए एंड आरएनए है दोनों। इन्फेक्शियस फायरॉन प्रजेंट इन, इन्फेक्शियस फायरॉन कहाँ पे प्रजेंट होगा? इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रजेंट इन, वायरस में जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है वो कौन है? फायरन्स आर डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म बट एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म्स इंटायरली प्रोटॉन्स प्रोटीन्स, फायरन्स एक एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म है और एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म हमेशा प्रोटीन होगा, इसलिए फायरन्स प्रोटीन है। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो पायरन है। वायरस इनवेलप इज नोन एज, वायरस के इनवेलप को किस नाम से जानते हैं? तो इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 26 पे मिल जाएगा। अब इसे भी पॉज करके पहले अपना ऑप्शन चेक कर लें। वायरस का एनवेलप प्रोटीन कोट
कैप्सिड से बना होता है, जो कैप्सोमर का स्मॉल यूनिट है। वायरस का एनवेलप कैप्सिड से बना होता है, ऑप्शन ए। बैक्टीरियोफेज किल, बैक्टीरियोफेज किसे किल करेगा? तो इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 26 पे मिल जाएगा, आप पहले पहुंच करके अपना ऑप्शन चेक कर लें। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इम्पैक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन पहुंचाएगा उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं उस वायरस को, इसलिए बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को किल करेगा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए? दोनों डीएनए और आरएनए, कौन वायरस डीएनए आरएनए दोनों कंटेन करता है? तो लीको वायरस डीएनए और आरएनए दोनों कंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वायरस एंड वायरॉइड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को एनसीईआरटी बायोलॉजी की मदद से सॉल्व किया, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को एनसीईआरटी बायोलॉजी की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमारे अगले वीडियोज़ को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी को मिल सके, और इसे अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।